हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिविजिबिलिटी रूल्स और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ठीक है आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम की ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ डिविज़न एल्गोरिथम ठीक है देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है पहले अपन इसको समझते हैं ठीक है uh, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है सेवन उसको मैंने फाइव से डिवाइड किया ठीक है कोई नंबर है सेवन उसको मैंने फाइव से डिवाइड किया तो सर ये वन टाइम जाएगा ठीक है फाइव इंटू वन दैट इज़ फाइव सेवन में से फाइव माइनस किया तो टू आएगा ठीक है तो ये जो सेवन है जिसको डिवाइड किया जा रहा है ये कहलाता है आपका डिविडेंड जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो कहलाता है डिवाइजर और ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन और ये जो नीचे आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर ठीक है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन ये आपका रिमाइंडर ये आपका कहलाता है डिवाइजर सॉरी डिविडेंड और ये आपका कहलाता है डिवाइजर ठीक है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो होता है आपका डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये आपकी कहलाती है डिवीजन एल्गोरिथम आप देख भी सकते हो कि जो हमारा डिविडेंड है दैट इज सेवन वो डिवाइजर यानी कि फाइव इंटू क्वेश्चन रिमाइंडर रिमाइंडर यानी कि टू तो सेवन इज इक्वल टू फाइव इंटू वन दैट इज फाइव प्लस टू तो सेवन इक्वल टू सेवन तो ये वेरीफाई हो रहा है तो दैट इज योर डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज डिविडेंड इज इक्ल डिजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक है इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम नंबर्स में डील करते हैं तो ये जो रिमाइंडर होता है, है ना बेटा ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर डिवाइजर से छोटा होगा और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है रिमाइंडर इज नेवर भी नेगेटिव रिमाइंडर इज नेवर बी नेगेटिव इस चीज़ का ध्यान रखें रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता रिमाइंडर इज ऑलवेज आइदर जीरो पॉजिटिव और बट लेस देन डिवाइजर ठीक है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है सही कल कोई आपसे अगर कोई पूछे कि लेट से माइनस सेवन को फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है माइनस सेवन को फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा तो देखो बेटा माइनस सेवन लिखा और फोर से डिवाइड कर हैं ठीक है अब देखना डिवाइड डिवाइड करते वक्त हम क्या करते हैं यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो इस नंबर से छोटा होता है हमेशा देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो इससे छोटा होना चाहिए तो फोर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे जो नंबर आए वो माइनस सेवन से छोटा हो तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस टू फोर इंटू माइनस टू माइनस का एट और माइनस एट माइनस सेवन से छोटा है और साइन चेंज कर देते हैं प्लस तो माइनस सेवन प्लस एट करोगे तो वन आएगा रिमाइंडर ठीक है कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सोचते हैं कि रिमाइंडर माइनस थ्री आएगा दैट इज़ रॉन्ग ठीक है रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता रिमाइंडर इज ऑलवेज इधर जीरो और पॉजिटिव और लेस देन डिवाइजर ठीक है ये चीज़ होती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें रिमाइंडर इज नेवर वी नेगेटिव और ये डिवीज़न एलगोरिथम मुझे मालूम ही है दैट इज डिविडेंड इज डिजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक है तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है बेटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है पहला व्हेन डिवाइडेड बाय थ्री अ टू When divided by 342 gives a remainder 47, gives a remainder 47. When the same number is divided by 19, when the same number is divided by डिवाइडेड बाई नाइनटीन देन वाट वुड बी रिमाइंडर देन वाट वुड बी रिमाइंडर ठीक है तो इसने बोला कि हमारे पास एक नंबर है जिसको 342 से डिवाइड करेंगे तो 47 सेवन रिमाइंडर आएगा और उसी नंबर को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है क्वेश्चन करते हैं मान लेते हमारा नंबर n है उसको हमने 342 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 47 आया रिमाइंडर कितना आया 47 कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा मान लेते क्वेश्चन आया क्यू ठीक है नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम कहेंगे दिस इज योर डिविडेंड दिस इज योर डिवाइजर दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर सो डिविडेंड इज इक्व टू डिवाइजर एंड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिविजन एल्गोरिथम ये हो गया अब इसने कहा कि इसी सेम नंबर को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा तो इसी सेम नंबर को मैंने 19 से डिवाइड किया तो देखते रिमाइंडर कितना आ रहा है अब देखिए थ्री फोर्टी टू को अगर अपन देखें क्या ये 19 की टेबल में आता है क्या सोचो थ्री फोर्टी टू को मैंने नाइनटीन से डिवाइड किया है ना देखिए नाइनटीन इंटू वन तो नाइनटीन आया बचेगा वन और फाइव फाइव ठीक है ठीक आ जाएगा वन फिफ्टी टू ठीक है 152 तो ये एट टाइम्स चला जाएगा नाइन एट जो सेवनटी टू टू कैरी वन फिफ्टी यस तो ये ना 342 जो है ना वो 19 से डिविजिबल 18 टाइम्स है ना तो यानी 342 19 से डिविजिबल है तो मतलब 342 फोर्टी टू इंटू क्यू भी नाइनटीन से डिविजिबल है यानी इस इधर से तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फाइनली जो रिमाइंडर मिलेगा आपको 47 से डिवाइड करने पे मिलेगा 47 को जब 19 से डिवाइड करोगे तो नाइनटीन टू जो थर्टी है ना नाइनटीन टू जब थर्टी एट तो फोर्टी सेवन में से थर्टी एट माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा नाइन है ना बेटा तो यहाँ से तो रिमाइंडर जीरो आ रहा था इसको अगर आप नाइनटीन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा नाइनटीन टू जब थर्टी एट फोर्टी सेवन माइनस थर्टी एट दैट इज नाइन रिमाइंडर इज नाइन इसका आंसर नाइन आ गया क्लियर तो इसको हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को बाय डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं next question is let n equal to 640 640 640 643 without actually computing n square without actually computing n square फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर वैन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 8 इज डिवाइडेड बाय 8 ठीक है हमें n की वैल्यू दे रखी है सिक्स फोर्टी सिक्स फोर्टी हमें बिना n का स्क्वायर निकाले बिना n का स्क्वायर निकाले अगर उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है ये इसने क्वेश्चन में कहा गया है ठीक ना बिना इसका स्क्वायर निकाले हमें बताना रहे तो देखो बेटा यहां पे हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं किससे एट से ठीक है ना तो ध्यान से देखो अगर मैं इस एन को ध्यान से देखूं अगर मैं इस एन को अगर एट से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा देखिए एट की डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट थ्री डिजिट शुड भी डिविजिबल बाई एट है ना तो यहां पर अगर अपन लास्ट थ्री डिजिट को ध्यान से देखें तो वो आ रहा है सिक्स तो 643 को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे ना बेटा 643 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा रिमाइंडर कितना आएगा थ्री आएगा इसलिए ये जो एन होगा ना बेटा वो हो जाएगा आपका एट का मल्टीपल प्लस थ्री टाइप का एट का मल्टीपल प्लस थ्री टाइप का क्यों क्योंकि इसको एट से डिवाइड करने पे रिमाइंडर थ्री आ रहा है तो यानी ये जो आपका गिवन नंबर है वो एट का मल्टीपल प्लस थ्री टाइप का है ठीक है तो ये आपका एन हो गया बात हो रही है एन स्क्वायर की तो दोनों साइड का अपन ने स्क्वायर कर दिया तो एट के प्लस थ्री का स्क्वायर करो बेटा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी तो टू इंटू एट सिक्सटीन थ्री जो फोर्टी एट फोर्टी एट के प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये आपका एन स्क्वायर आ गया हम क्या कर रहे हैं एन स्क्वायर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं बेटा एट से डिवाइड कर रहे हैं तो so, अगर एन स्क्वायर को अगर मैं एट से डिवाइड करूँ सोचो तो सिक्सटी फोर एट की टेबल में आता है तो यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो फोर्टी एट भी एट की टेबल में आता है तो यहाँ से भी रिमाइंडर जीरो यहाँ से, से भी जीरो यहाँ पे इससे भी जीरो बचा नाइन नाइन को अगर मैं एट से डिवाइड करूँ तो नाइन को एट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है वन तो वही आपका आंसर होगा तो रिमाइंडर शुड बी वन ठीक है तो यहाँ पे हमने बिना एन का स्क्वायर निकाले उसको एट से डिवाइड करने पर हमने ये देख लिया कि रिमाइंडर कितना रहा आ रहा है बेटा वन आ रहा है ठीक है तो इसका आंसर आ गया वन क्लियर मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं अपन है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Now, the next question is Find the remainder. Find the remainder when nine eight seven five three four seven multiply with seven four three five seven eight nine. मल्टीप्लाई विद फाइव सेवन एट नाइन सेवन फोर थ्री इज डिवाइडेड बाय फोर इज डिवाइडेड बाय फोर ठीक है इज डिवाइडेड बाय फोर फाइनल रिमाइंडर वेन नाइन एट सेवन फाइव थ्री फोर सेवन मल्टीप्लाई विथ सेवन फोर थ्री फाइव सेवन एट नाइन मल्टीप्लाई विद फाइव सेवन एट नाइन सेवन फोर थ्री इतने बड़े नंबर को अगर आप फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम सबको मल्टीप्लाई करें फिर फोर से डिवाइड करें ठीक है तो इसमें अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे देखो कैसे यहाँ पे देख सकते हो कि फोर uh, की डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते थे कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय फोर है ना तो यहाँ पे देखो फोर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है फोर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ पर आएगा थ्री तो यानी इस नंबर को आप लिख सकते हो फोर का कोई मल्टीपल प्लस थ्री टाइप का सही है क्योंकि इस नंबर को फोर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर थ्री आ रहा है तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है ना अब इस नंबर की बात करते हैं इसको फोर से डिवाइड करने पे एटी नाइन को फोर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वन आएगा है ना तो इसको लिख सकते हैं अपन फोर का मल्टीपल प्लस वन टाइप का क्योंकि इसको फोर से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है वन आ रहा है बेटा है ना सेम वे हियर फोर्टी थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्री आ रहा था यानी इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ फोर का मल्टीपल प्लस थ्री टाइप का ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर दो तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी और सभी टर्म्स जो होंगी आपकी इसमें जो सभी टर्म्स होंगी वो फोर के मल्टीपल्स में होंगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म्स फोर के मल्टीपल में होगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म लास्ट टर्म जो होगी वो थ्री इंटू वन इंटू थ्री का प्रोडक्ट होगी तो थ्री इंटू वन दैट इज़ थ्री 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 या नाइन तो ये फोर के प्लस नाइन टाइप का होगा यानी ये जो गिवन नंबर है वो इस तरह से होगा अब इसने बोला था कि इस पूरे नंबर को अगर आप फोर से डिवाइड करोगे है ना तो रिमाइंडर कितना आएगा तो यानी इस पूरे नंबर को अगर मैं फोर से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा तो फोर के तो फोर से डिवाइड हो ही जाएगा नाइन को फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है वन तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो वन आएगा देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अपन बच गए अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो ठीक है तो बड़ा आसान था है ना नहीं तो दिक्कत आती सही है चलिए मेरी कल समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अ पॉजिटिव अ पॉजिटिव इंटीजर एन व्हेन डिवाइडेड बाय नाइन व्हेन डिवाइडेड बाय नाइन बाय नाइन गिव्स सेवन एज रिमाइंडर गिव्स सेवन एज रिमाइंडर give 7 as remainder then what will be then what will be the remainder then what will be the remainder when 3n minus 1 is divided by 9 is divided by 9. इज डिवाइडेड बाई नाइन ठीक है और पॉजिटिव इंटीजर एन वन डिडेड बाई नाइन गिवज द सेवन एज रिमाइंडर वॉट विल बी दिमाइंडर वैन थ्री एन माइनस वन इज डिडेड बाई नाइन ठीक है देखिए हमारे पास एक नंबर है दैट इज एन उसको अगर आप नाइन से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है सेवन ठीक है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा मान लेते क्वेश्चन क्यों आ रहा है नो बाय डिविजन एलगोरिथम हम इस नंबर को लिख सकते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो ये आपका एन आ गया दैट इज नाइन क्यू प्लस सेवन अभी हमसे पूछ रहा है कि वाट विल बी द रिमाइंडर वेन थ्री एन माइनस वन इज़ डिवाइडेड बाई नाइन तो चलिए अपन थ्री एन माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं थ्री एन माइनस वन तो थ्री एन की जगह आप रख दीजिए नाइन क्यू नाइन क्यू प्लस सेवन थ्री की जगह थ्री एन की जगह नाइन क्यू प्लस सेवन फिर माइनस वन कर दीजिए तो जगह थ्री इंटू नाइन दैट इज ट्वेंटी सेवन क्यू प्लस ट्वेंटी वन माइनस वन यह ट्वेंटी सेवन क्यू प्लस ट्वेंटी है ना तो ये आपका थ्री एन माइनस वन है अब इसने ये पूछा कि थ्री एन माइनस वन को अगर आप नाइन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ट्वेंटी सेवन तो नाइन तो की टेबल में आता है तो यानी यहाँ से रिमाइंडर जीरो ट्वेंटी को नाइन से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है टू आ रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा टू तो रिमाइंडर शुड बी टू ठीक है तो इसका आंसर टू आ जाएगा ठीक है अगेन वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइजर इज टेन टाइम्स ऑफ क्वेश्चन एंड टेन टाइम्स ऑफ रिमाइंडर एंड टेन टाइम्स ऑफ रिमाइंडर n times of remainder. If question is 10, then what is the dividend, 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 is the dividend? you question him right? जो हमारा डिवाइजर है वो टेन टाइम्स द क्वेश्चन है डिवाइजर जो है वो टेन टाइम्स द क्वेश्चन एज वेल एज टेन टाइम्स ऑफ रिमाइंडर भी है टेन टाइम्स ऑफ रिमाइंडर भी है ठीक है इसने बोला इफ क्वेश्चन इज टेन क्वेश्चन के लिए अगर अपन टेन बोल दें तो यानी जो आपका डिवाइजर है टेन इंटू टेन हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड है डिवाइजर इज हंड्रेड क्वेश्चन टेन है ही सही विच इज इक्वल टू टेन टाइम्स रिमाइंडर तो यानी जो रिमाइंडर है टेन टाइम्स ऑफ रिमाइंडर इज हंड्रेड इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया आपका हंड्रेड डिवाइड बाई टेन रिमाइंडर कितना आ गया टेन अब लगाइए अपने डिवीजन एल्गोरिथम सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर का मतलब हंड्रेड इन टू क्वेश्चन यानी कि टेन प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर इज टेन तो जगह वन थाउजेंड प्लस टेन तो जगह वन जीरो वन जीरो आपका क्या आ गया डिविडेंड आ गया ठीक है बड़ा आसान था सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है now the next question is when a natural number when a natural number x is divided by 5 divided by 5 the remainder is 2 the remainder is 2 when a natural number Y when a natural number Y is divided by five is divided by five the remainder is four the remainder is four the remainder is, the remainder is Z when x plus y is divided by फाइव Then find the value of टू जेड माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है टू जेड माइनस फाइव डिवाइड बाई थ्री ठीक है चलिए करते हैं देखो इसने ये कहा कि x को अगर आप फाइव से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर टू आ रहा है y को फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फोर आ रहा है और इसने बोला कि z हमारा रिमाइंडर होगा अगर x प्लस वाई को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो बताओ टू जेड माइनस वाइव बाई थ्री की वैल्यू क्या है चलिए करते हैं क्वेश्चन x को किससे डिवाइड किया जा रहा है 5 से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा मान लेते क्यू वन कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा दैट इज़ टू सही है सेम वाई को भी फाइव से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर कितना आ रहा है फोर आ रहा है ठीक है यहाँ तक अब यहाँ पे अपन लगाते हैं डिवीजन वाले थ्रम दैट इज इज डिविडेंजिकल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स होगा वो डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर टाइप का होगा सेम भी इसको भी अगर अपन कन्वर्ट करें तो डिविडेंट इज इक्व टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होगा यहाँ से अपन कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू फाइव इंटू क्यू टू प्लस फोर टाइप का होगा तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ चुका है अब ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई है ना एक्स प्लस वाई को फाइव से डिवाइड करने पर जो आ रहा है रिमाइंडर वो जेड है तो पहले अपन जेड वैल्यू निकालते हैं तो देखो एक्स प्लस वाई को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे फाइव से तो एक्स की जगह अपन रखते हैं फाइव क्यू वन प्लस टू वाई की जगह फाइव क्यू टू प्लस फोर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे फाइव से तो यहाँ से तो रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि ये फाइव का मल्टीपल है यहाँ से भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ये भी फाइव का मल्टीपल है तो यहाँ से तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है टू प्लस फोर हो जाएगा सिक्स टू प्लस फोर हो जाएगा सिक्स सिक्स को फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वन आएगा और क्वेश्चन ने बता रखा था कि जो रिमाइंडर आएगा ना उसको हमने जेड बोला है यानी ये जो वन है वो आपका जेड है बेसिकली ठीक है ना तो अब क्या करना है आपको जेड की जगह यहाँ पे वन रखना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तो यानी आपकी टू जेड माइनस फाइव बाई थ्री जेड की जगह वन रख दिया तो आ जाएगा माइनस का वन ठीक है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का वन ठीक है तो यहाँ पे भी अपने डिवीजन आकर लगा के इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया चलिए तो आज की क्लास में हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम और उस पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए ठीक है नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू